तो आज के इस वीडियो में हम मनाने जा रहे हैं क्रिश को, जो कि हमारे एक इंडियन सुपर हीरो है, जिसका रोल ऋतिक रोशन ने किया था। यानी 2006 में जब फर्स्ट मूवी आई थी क्रिश, हालांकि उसको सेकंड बोला गया, कोई मिल गया को फर्स्ट बोला गया, और थर्ड आई थी 2013 में। तो क्रिश 4 आने की तैयारी हो रही है, जैसे कि हम सुन चुके हैं ऋतिक रोशन जी से। तो कॉस्ट्यूम कैसा होने वाला है, कैरेक्टर डिजाइन कैसा होने वाला है, वो तो हमें यहाँ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से कैरेक्टर बनाने जा रहा हूँ क्रिश 4 का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा स्केच बना के रख लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल रफ स्केच बना के रखा है। यहाँ पे मेरा फ्री हैंड में इतना अच्छा हाथ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेस किया है, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स को मिला मिलो के ट्रेस किया है। तो यहाँ पर मैं लोगों के लिए देख रहा था, लोगों का मतलब चेस्ट पे जो साइन आएगा, सिंबल आएगा, वो के वाला साइन, वो देख रहा था कि कैसे रखेंगे, चेस्ट पर रखेंगे या बेल्ट पर रखेंगे, जहां पर भी अच्छा लगेगा उसको वहीं पे प्लेसमेंट करेंगे उसका। तो यहाँ पर मैं पेन टूल से इसको ट्रेस कर रहा हूँ। तो बेसिक जो शेप है मैं वहाँ पे बना के रख लेता हूँ, उसमें फिल कर दूँ विद ब्लैक। ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे स्टोन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगर आउटलाइन वगैरह बनानी होगी तो इजीली मैं देख सकता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने रफ स्केच बनाया था वो काफी बफ है, तो हमें इतना बफ तो दिखाना नहीं है। सिंपल रखने के लिए मैंने उसका थोड़ा सा अमाउंट कम किया बॉडी का। और यहाँ पे मैं ऋतिक सर की वाली फेस की फोटो ले रहा हूँ। यहाँ पे हम इसमें मास्क लगाएंगे अलग से ड्रॉ करके, और हेयर भी बनाएंगे। इसमें मेजॉरिटी जो काम हो रहा है वो ड्रॉ का हो रहा है, मतलब आपने अभी तक मेरे को देखा होगा मैनिपुलेशन करते हुए, लेकिन इसमें आप देखेंगे मैं कितना ज्यादा ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ड्रॉ करने से मेरा मतलब है जो कॉस्ट्यूम है उसको मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि उस पर लेदर का टेक्सचर जो है, ग्लॉसीनेस है, वो सब मैंने यहाँ पे बनाई है मैन्युअली। जो आप लेग्स वगैरह देख रहे हैं मुझे लगाते हुए, ये बाद में रिमूव कर दूंगा, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली पैंट आएगी। पहले मैं सोचा था टाइट फिटिंग वाला बनाऊं, पर बाद में मैंने जब क्रिश का ओरिजिनल डिजाइन देखा तो उसमें वो पैंट थी थोड़ी सी लूज वाली, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी लूज वाली पैंट रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाइकर वाली, थोड़ी सी स्पोर्टी रखेंगे, जो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह से, तो ज्यादा बेटर लगेगा। और जो भाई मेरे से पूछते हैं कमेंट के अंदर कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो ये फोटोशॉप है, ये 2021 है। तो बेसिकली फोटो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप मल्टीपल इमेजेस को लेके मिला के उनको ब्लेंड करके, कट करके, क्रॉप करके, जब आप एक सिंगल इमेज बनाते हैं तो उसे फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं। उसके अंदर किसी भी तरह की इमेजेस यूज हो सकती है, आप चाहे तो लैंडस्केप बना रहे हो तो उसे मैट पेंटिंग बोलते हैं। तो ये सारी फोटो मैनिपुलेशन के ही पार्ट है, चाहे आप मैट पेंटिंग बना रहे हो, या इमेजेस को मिला के कुछ कर रहे हो, या अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो मल्टीपल इमेजेस से, तो ये सब मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है। क्या फोटो मैनिपुलेशन बनाने के लिए आपको स्केचेस आनी चाहिए या डिजिटल स्केच आना चाहिए, कहने का मतलब यह है, तो इतना जरूरी नहीं है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद बनानी पड़ जाती है, तो उसके लिए अगर स्केचिंग आती है हल्की फुल्की तो ज्यादा अच्छा है, एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिश का मास्क बनाने वाला हूँ, और क्रिश का मास्क बनाने के लिए क्रिश के मास्क का रेफरेंस ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फोन के अंदर वो क्रिश के मास्क की फोटो लगा रखी है, तो सिंपली यहाँ पे मैं पेन टूल से ट्रेस कर रहा हूँ और सिंपली बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे मास्क। इसमें बाकी हम शेडो हाइलाइट्स वगैरह देंगे तो थोड़ी डेप्थ आ जाएगी, बेसिकली शेडिंग बोलते हैं स्केचिंग में, तो बेसिकली हम वो करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे प्रॉपर मास्क लगेगा। तो यहाँ पर मैं पपेट टूल की हेल्प से यहाँ पर जो पैंट हमने लगाई है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ उसकी पोजीशन, चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। वो तो बिल्कुल ही सीधी थी जो हमने उठाई है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था मैनिपुलेशन में सारी चीजें करनी पड़ती है, तो सारा पार्ट है मैनिपुलेशन का। तो यहाँ पर मैं मास्क के ऊपर थोड़ी सी हाइलाइट्स बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। तो इसका जो कॉस्ट्यूम है, यानी कि उसकी जो बॉडी है, उस पर भी मैं हाईलाइट शेडो की हेल्प से यहाँ पे डेप्थ बनाने वाला हूँ, और जो चेस्ट मसल्स वगैरह है मैं चाहता हूँ इस बार कॉस्ट्यूम के ऊपर दिखे, जैसे कि हमने ओरिजिनल उसमें देखा है कि सिर्फ सिंपली जैकेट पहनी होती है, वैसा नहीं चाहता मैं, थोड़ा सा सुपर हीरो जैसा दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी बॉडी मसल्स बना रहा हूँ मैं जैकेट के ऊपर। ये हाईलाइट शेडो मिड टोन्स वगैरह का काम तो हमेशा से रहता ही है हर इमेज में, ताकि डेप्थ डालने के लिए, अदरवाइज वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, तो ये सारी चीजें हमेशा से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं हेयर भी उठा के लगा चुका हूँ, ये ऋतिक सर की एक इमेज से ही मैंने हेयर उठाया है, तो ये वाले हेयर ठीक लग रहे हैं, बाकी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह करके सही कर देंगे। तो फोटोशॉप में जो प्रोसेस रहते हैं वो लेयरिंग के ऊपर रहते हैं, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जो आपको इमेजेस दिख रही है राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक्स के अंदर, उसको लेयर्स बोलते हैं, तो ये सारा काम लेयर बेस के ऊपर ही होता है। तो इसलिए लेयरिंग जैसे जैसे करते जाते हैं बेसिक से एडवांस तक हम पहुंचते जाते हैं चीज़ों को, और हमारे फाइनल रिजल्ट तक भी ऐसी पहुंचते हैं, कलर ग्रेडिंग, शेडिंग, शेडो, हाईलाइट्स, ग्लो इफेक्ट, जो भी आपको डालना है वो सब कर करके आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे टेक्सचर भी लगा रहा हूँ उसके कॉस्ट्यूम के अंदर लेदर का ही, क्योंकि ओरिजिनल मूवी के अंदर जो हमने कॉस्ट्यूम देखा है वो भी लेदर जैसा होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा उसे रिवर्स करके पहन लेते हैं वो, तो एक तरफ क्रिश बन जाते हैं और एक तरफ कृष्णा बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता है उनका कॉस्ट्यूम थोड़ा सा ग्लॉसी होता है, लेदर होता है लेकिन ग्लॉसी होता है, वो चीज फोटोशॉप में कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम फिल्टर गैलरी का यूज कर सकते हैं वो चीज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिल्टर गैलरी यूज कर रहा हूँ और बेवल एंड एम्बॉस का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं किया, टेक्सचर से मेरा मतलब है कोई टेक्सचर ओवरले अप्लाई नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हैं जो केप के अंदर टेक्सचर यूज किया यहाँ पे वो यूज नहीं किया मैंने।
तो ओरिजिनल डिजाइन में उनके हाथ में ग्लव्स नहीं होते, तो यहाँ पर भी मैं ग्लव्स रखने वाला नहीं हूँ क्योंकि पूरा ब्लैक हो जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल पैक है जो हमेशा से मैं यूज करता हूँ एज ए रेफरेंस के लिए, तो वहीं से हाथ निकाल के यहाँ पर मैंने हाथ लगा दिया। तो शूज़ उठाए, शूज़ लगा दिए, यहाँ पे मैंने वो टकिन कर दिया शूज़ के अंदर थोड़ा सा पैंट को, अदरवाइज वो बहुत लंबा सा पैर लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग इमेजेस निकाल के यहाँ पे सारी चीज़ें करके कंबाइन करके जो हमारा कैरेक्टर बन के आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ, पहले मैंने सोचा था कि सिटी दिखाऊंगा या हवा में उड़ रहा है ऐसा कुछ स्काई दिखाऊंगा, पर मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैं स्मोक से बैकग्राउंड बना रहा हूँ, लाइट दिखा रहा हूँ जिसके वजह से हाइलाइट्स बॉडी पे आ रही है। वो एक रीज़न मिल जाएगा कि हाइलाइट्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि एक लाइट सोर्स होना ज़रूरी है कि आपकी हाइलाइट्स बने, स्पेक्युलर बने या जो भी आप बना रहे हैं, अदरवाइज वो रीजनेबल नहीं लगेगा कि हाइलाइट्स भैया कहाँ से आ रही है। तो मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि ज़मीन से जंप मारी और नीचे जो ग्राउंड है वो टूट गया है। और यहाँ पर मैं एक ऐसी बेल्ट लगा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो लोगो बनाने वाले हैं हम केक का, तो वो इस बेल्ट पे लगा दूँगा यहाँ पे। अभी भगवान जाने किस चीज़ की बेल्ट है, मेरे को गूगल पे मिली तो मैंने उसको वही यूज़ कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं केक को मेटेलिक वाला फिनिश देने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर मैं हाईलाइट शेडोज वगैरह बना रहा हूँ जो कि हमेशा से रहता ही है, मैं हमेशा से बताता हूँ ये बनाना ज़रूरी है एक डेप्थ देने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो हमने हेयर यूज़ किए हैं वो थोड़े से अभी जैगेड जैगेड एजेस हैं, तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से यहाँ पर हेयर बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ और हाईलाइट्स वगैरह भी इस पर बनाने वाला हूँ। तो कॉस्ट्यूम के ऊपर और टेक्सचर और हाईलाइट्स, फिर और शेडो, और भी टेक्सचर, और भी हाईलाइट्स और भी शेडो। तो ये सिलसिला ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहा जब तक मुझे कि रिजल्ट अचीव नहीं हो गया कि हाँ भैया यहाँ पे लगा कि भैया अब ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल गया है। तो यहाँ पर मैं अपने ग्राउंड के लिए यहाँ पे ऐसा टूटी हुई सी ज़मीन उठा रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि जंप मारा है तो ज़मीन टूट गई है। तो यहाँ पर मैं कुछ डेब्रीज वगैरह, कुछ स्टोन्स वगैरह ऐसे उड़ते हुए दिखा रहा हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड देने के लिए। जो आगे स्टोन्स हैं उनमें ब्लर ज़्यादा ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड कर रहा हूँ ताकि वो ऐसा लगे मोशन में है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके आर्टवर्क के अंदर चार चांद लग जाएंगे। अब चाहे चार चांद लगाओ या पांच चांद लगाओ रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने स्टोन्स दिखाए हैं उड़ते हुए उस पर भी हाइलाइट्स और शेडोज बनाए हैं, उस पर भी कलर ग्रेड किया है ताकि हमारे एनवायरनमेंट के साथ मैच हो। उसके बाद मैंने थोड़े से ओवरले पार्कल्स इस तरह की चीज़ें ऐड करी है थोड़ा सा एम्बियंट बनाने के लिए, थोड़ा सा मूड क्रिएट करने के लिए। और जो हमारे सॉफ्टवेयर का बेस्ट पार्ट है जो कि है कैमरा रॉ फिल्टर, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, उसी में फाइनलाइज करेंगे इसको ले जाके। तो यहाँ पर मैं एक फनी चीज़ दिखाता हूँ, जो टाइटल था यहाँ पे क्रिश का, जो गेम का टाइटल एक्चुअली जो 3 लिखा हुआ है उसी से हमने 4 लिखा है। 3 वाला पार्ट है इसको मैंने ऐसे कट कर दिया और जो 4 वाला जो साइन होता है ना, 4 का जो एरो होता है उसके ऐसे यहाँ पे एक शेप बना दिया है और इसी शेप से मैं 4 पूरा बना दूंगा। तो हमारे टाइटल भी यहाँ बन जाएगा जो क्रिश 4 होगा। तो सारी चीज़ें फाइनल कंपोजिटिंग के बाद जो हमारा पोस्टर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। तो आई होप गाइज ये आर्टवर्क आप लोगों को पसंद आया होगा। ये क्रिश 4 का पोस्टर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसको बनाने में तकरीबन 3.5 घंटे लग गए एक आर्टवर्क को बनाने में, वीडियो एडिट का नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, सिर्फ आर्टवर्क को बनाने में 3.5 घंटे लग गए। ये थोड़ा सा नया डिजाइन बनाया मैंने कॉस्ट्यूम का, ये कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताइए, अच्छा लग रहा है बताइए, बुरा लग रहा है वो भी बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी मैं सारी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ। एंड आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।